नमोबुद्धाय धम्म बंधुओं, हम आपके पास मिलिंद प्रश्न से जुड़ा चौथा और पांचवा प्रश्न के ऊपर लेकर के आए हैं। इसके पहले का वीडियो प्रश्न संख्या एक और प्रश्न संख्या दो और तीन पहले वीडियो आ चुके हैं। जिन्होंने न देखा हो उनको उसको देख लें तो उनको शुरुआत से समझ में आएगा कि मिलिंद प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ। तो साथियों, आगे इसी की कड़ी में बढ़ते हुए चौथा प्रश्न, अनंत काय का उपासक बनना। उपासक वो एक प्रश्न पूछे उसके आधार पे बने अनंत काय, तो इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे। जब राजा मिलिंद से आज्ञा लेकर के देवमंत्री ने भंते नागसेन के पास संदेश दे दिया कि आप जितने चाहे उतने भंते ले करके आप हमारे राजगृह में आ सकते हैं, तब भंते नागसेन ने सुबह ही चीवड़ पहनकर पात्र लेकर और 80,000 भिक्खुओं के साथ सागल नगर में प्रवेश किया। उस समय भंते नागसेन के पास चलते हुए अनंत काय ने पूछा, भंते, जब मैं नागसेन ऐसा कहता हूँ तो यह नागसेन है क्या? तब भंते बोले, आप नागसेन से क्या समझते हैं? तो अनंत काय बोले, भंते, नागसेन वही जो जीव वायु अर्थात ऑक्सीजन भीतर जाती और बाहर आती है, उसी को मैं नागसेन समझता हूँ। फिर भंते ने पूछा, यदि यह जीव वायु भीतर जाकर बाहर नहीं आए या बाहर आकर भीतर नहीं जाए तो वह पुरुष जिएगा या नहीं जिएगा? तब अनंत काय ने कहा, नहीं भंते। तो भंते ने कहा, जो ये शंख बजाने वाले शंख बजाते हैं उनकी फूक या जीव वायु क्या फिर भी उनके भीतर जाती है? तब अनंत काय ने कहा, नहीं भंते। तो फिर जो ये बंसी बजाने वाले बंसी बजाते हैं उनकी फूक क्या फिर भी उनके भीतर जाती है? फिर अनंत काय ने कहा, नहीं भंते। अच्छा, जो ये तुरही बजाने वाले तुरही बजाते हैं उनकी फूक क्या फिर भी उनके भीतर जाती है? नहीं भंते। तब भंते ने कहा, तब वह मर क्यों नहीं जाते? तब अनंत काय ने हाथ जोड़ के कहा, आपके साथ में शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, कृपया बतावे कि बात क्या है। तब भंते बोले, यह जीव वायु अर्थात ऑक्सीजन कोई चीज नहीं है, सांस लेना और छोड़ना तो केवल इस शरीर का धर्म है। तब भंते ने अभिधम्म के अनुकूल इस बात को समझाया अनंत काय को, और अनंत काय को समझ में आ गया और उसने भंते का वो उपासक बन गया। तब भंते नागसेन राजा मिलिंद के भवन पर गए और बिछे आसन पर बैठ गए। राजा मिलिंद ने भंते नागसेन और उनकी सारी मंडली को अच्छे अच्छे भोजन अपने हाथों से परोसकर खिलाए और प्रत्येक भिक्खु को एक एक जोड़ा तथा भंते नागसेन को 3 चीवर देकर वह बोले, भंते, 10 भिक्खु आपके साथ ठहरे और बाकी लौट जाएं। तब राजा मिलिंद भंते नागसेन के भोजन कर चुकने पर पात्र ले लिए और एक नीचा आसन लेकर के बैठ गए और बोले कि किस विषय पर कथा संलाप हो। तब भंते ने कहा, महाराज, हम लोगों को तो केवल धर्मार्थ से प्रयोजन है, अतः धर्मार्थ विषय पर ही कथा संलाप हो। तब महाराज ने भंते नागसेन से उनकी प्रवज्ञा के विषय में प्रश्न किया। तब महाराज ने पूछा, भंते नागसेन, किस लिए आपकी प्रवज्ञा हुई है? आपका परम उद्देश्य क्या है? तब भंते बोले, महाराज, क्यों यह दुख रुक जाए और नया दुख उत्पन्न ना हो, इसी के लिए हमारी प्रवज्ञा हुई है। फिर भी जन्म ग्रहण ना हो ऐसा परम निर्वाण पाना हमारा परम उद्देश्य है। तब महाराज बोले, भंते नागसेन, क्या सभी लोग इसीलिए प्रवर्जित होते हैं? भंते बोले, नहीं महाराज, कुछ इसके लिए प्रवर्जित होते हैं, कुछ राजा के डर से प्रवर्जित होते हैं, कुछ चोर के डर से, कुछ कर्जे के बोझ से, कुछ केवल पेट पालने के लिए, किंतु जो उचित रीत से प्रवर्जित होते हैं वह इसीलिए प्रवर्जित होते हैं। तब महाराज बोले, भंते, क्या आप इसी के लिए प्रवर्जित हुए हैं? तो भंते बोले, महाराज, मैं बहुत ही छोटी आयु में प्रवर्जित हो गया था,
मैं नहीं जानता था कि किस लिए प्रवर्जित हो रहा हूँ, परंतु मेरे मन में यह बात आई थी कि ये बौद्ध भिक्खु बहुत बड़े विद्वान होते हैं, मुझे भी शिक्षा देंगे। सो मैं अब उन लोगों से सीख कर जानता हूँ और देखता हूँ कि प्रज्ञा का यही अर्थ है। तब महाराज ने कहा, भंते बहुत ठीक। धम्म बंधुओं, तो ये था आज के वीडियो में चौथा अनंतकाय का उपासक बनना, और पांचवा जब महाराज मिलिंद ने भंते नागसेन से प्रज्ञा के विषय में उनसे प्रश्न किया। तो धम्म बंधुओं, इसके आगे भंते नागसेन और महाराज मिलिंद के बीच में जन्म और मृत्यु के विषय में प्रश्न होते हैं, और विवेक और ज्ञान के विषय में प्रश्न। इस दोनों प्रश्न को लेकर के अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। तब तक के लिए साथियों, नमो बुद्धाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय। धम्म बंधुओं।